अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ। तालिबान ने रातों रात पूरे मुल्क को मुट्ठी में कस लिया। कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज अगले एक घंटे तक हम अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की बात करेंगे। आगे अब क्या होगा इसका विश्लेषण करेंगे, तालिबान की बात करेंगे और मुश्किल घड़ी में अपने मुल्क को ऊपर वाले के भरोसे छोड़कर भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी का पूरा सच भी आपको बताएंगे। आज हम दो तस्वीरों का विश्लेषण करेंगे। पहली तस्वीर काबुल में तालिबानी बंदूकधारियों के सीक्रेट टेप की, अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद बदले हुए हालात की आंखों देखी रिपोर्ट की। दूसरी तस्वीर उसी तालिबान के नर्क में फंसे भारतीयों के हैरतअंगेज एयरलिफ्ट की, कैसे तालिबान के कब्जे से भारतीयों को निकालने का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन एयरलिफ्ट। एक्सक्लूसिव डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। काबुल के अंदर ताजा हालात इस वक्त कैसे हैं? तालिबान को लेकर अफगानिस्तान में क्या चल रहा है? तालिबान के राज से अफगानिस्तान में क्या क्या रातों रात बदल गया? तालिबान ने महिलाओं के लिए क्या नया फरमान जारी किया? कितने भारतीय अफगानिस्तान से लौटे, कितने भारतीय फंसे हुए हैं? आज हम आपको एक एक सच दिखाएंगे। कंपनी ये कह रही है कि कोई भी हमारे बिना कोई इजाजत के बिना कोई नहीं जाएगा। हम चाहते हैं कि हम अपने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम सबको यहाँ से निकाला जाए। मेरे पीछे देख रहे हैं सारे एजेंट्स बैठे हुए हैं, अभी हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे फायरिंग हो रही है और अंदर चोर वगैरह लुटेरे वगैरह घूम रहे हैं। कैमरे में कैद AK-47 वाले तालिबान रिपोर्टर काबुल में तालिबान का गोलीमार गैंग एक्टिव। अफगानिस्तान में लेडीज वर्सेस तालिबान की जंग। तालिबान के खौफ की व्याख्या करती तस्वीर। तालिबान के ठिकाने का सीक्रेट टेप आउट। मातम में तालिबानी मौज की इनसाइड स्टोरी। ग्राउंड जीरो की सच्ची रिपोर्ट सीधे काबुल से।